तुझे याद भी नहीं आती मेरी रूठ तू साथ नहीं झूठ क्यों छटती नहीं काली सी घटा न निकलेगी धूप। ओके सो हाय गाइस वस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आपसे यूज़ करना बोलूँगा कुछ इस टाइप की न्यू ट्रेंडिंग रील वीडियो एडिटिंग जो कि गाइस आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ली होगी। तो गाइस इस टाइप की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है तो मैंने सोचा कि ना आप सभी के लिए एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए तो आपको सबको समझाऊंगा मैं गाइस, तो आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट देखना। तो चलिए गाइस वीडियो को जम शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को करना है गाइस यहाँ पे आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और गाइस इस वीडियो में जो भी मैं मटेरियल वगैरह यूज़ करने वाला हूँ सारा आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है गाइस, आप लोगों को अपनी कोई भी वीडियो को शूट करी हुई वीडियो को जिसमें स्काई अच्छे से विजिबल हो उस वीडियो को आपको सिंपली ऐड कर लेना है। एंड इतना कर देने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जब गाइस आप इतना कर दोगे तो आप लोगों को जो है यहाँ से सिंपली जो ब्लू वाला जो एरो है उस पर क्लिक करके आपको एंटर कर देना है। देन उसके बाद आपको वीडियो को मैं दिखा देता हूँ गाइस, देखिए मैंने कुछ स्टेप से वीडियो को अपनी मैंने शूट किया है तो बाकी वाटरमार्क डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है मतलब कुछ वेस्ट पार्ट भी है गाइस, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो मैंने अकेले शूट करी थी तो इसलिए मैंने मतलब कि थोड़ा स्टैंड वगैरह पे रख के मेरे को ऐसे शूट करना पड़ा था। मैं बाकी एक्स्ट्रा पार्ट जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी ऐड वीडियो पर हम क्लिक करेंगे, ऐड वीडियो पर जैसे क्लिक करोगे आपको फोटो वाले सेक्शन में जाना है। आपको गाइस एक फोटो मिला था मेरे को टेलीग्राम पे मेरे, तो आपको सिंपली इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको इंपोर्ट कर लेने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, ये मून का फोटो है, ठीक है। तो इसको जो है पहले आपको उसकी लेंथ जो है एकदम फुल कर देना है एकदम वीडियो के अकॉर्डिंग। देन आपको उसको करना है क्या गाइस, आपको जो यहाँ पे इसका जो साइज़ है उसको आप फिट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे मतलब कैसे जूम आउट करके भी बड़ा कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब गाइस देखिए आपको उसको रखना कितना मैं बता देता हूँ, आपको गाइस इतना जूम करके रख लेना है। देन उसके बाद गाइस आप लोगों को एक चीज़ करनी है इसमें गाइस, देखिए जैसे कि आप इसमें मास्क में जाओगे तो आपको लीनियर वाला लेना है एंड उसके बाद लेने के बाद आपको उसको रोटेट कर देना है इस तरीके से। एंड गाइस इसका जो मतलब कि साइज़ जो है ना ज़्यादा नीचे तक नहीं लाना है आपको, ठीक है। मतलब मैं बता देता हूँ, देखिए पहले इतना नीचे ले आना है, फिर आपको यहाँ पे देखना नीचे लाइन आ रही होगी ना तो उसको ऊपर ऊपर की साइड में ले जाना है। मतलब कोशिश करना है कि जो नीचे की जो लाइन है ना गायब हो जाए बिल्कुल, ठीक है। बट ऊपर डार्क होगा नीचे मतलब कि कम डार्क, मतलब डार्क नहीं होगा तो आपको ऐसा अजीब लगेगा थोड़ा, बट उसका भी सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली ओपेसिटी वाले ऑप्शन में जाना है, इसकी ओपेसिटी जो है अराउंड 70 या 75 के बीच में रख देना गाइस, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना, देखिए एकदम अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है, एकदम रियलिस्टिक लुक आ रहा है इसमें, ठीक है। अभी गाइस देखिए इसमें हम बहुत कुछ करने वाले हैं तो उससे जो है ना वीडियो हमारी बहुत औसम लगने वाली है, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा सेम वैसा ही। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे गाइस आप इतना आगे पहुंच जाओगे तो आपको सिंपली दोबारा ऐड वीडियो पे क्लिक करना है। ऐड वीडियो पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आपको बर्ड्स के PNG, और PNG नहीं गाइस ये वीडियो है गाइस, ठीक है, तो उसको PNG नहीं बोलेंगे हम। तो आपको इसको फिट कर देना है, फिट कर देने के बाद गाइस इसमें आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करो या फिर आप क्रोमा की का ऑप्शन भी यूज़ करो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर सकते हो तो आपको उसको डार्कन रखना है, और क्रोमा की में तो गाइस मैं आपको समझा ही रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको फिर सिंपली मास्क में जाकर लीनियर में जाना है एंड उसके बाद आपको उसको नीचे की साइड में ले आना है, ठीक है। एंड जो इसका जो ये है क्या कहते हैं एरो जो दिख रहा है आपको, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना, हल्का सा उसको स्मूथ कर लेना है, ठीक है, हल्का सा, ताकि जो है नीचे का जो कुछ भी विजिबल ना हो, परफेक्ट है। अब इतना हो जाने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे जो है अभी हमने जो मतलब कि अभी कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं करी तो हमें मतलब बड़ी अजीब लग रही है अभी वीडियो, बट इसको एकदम मौसम करेंगे गाइस अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे वर्ड्स लग चुके हैं, बहुत अच्छी वीडियो लग रही है अभी हमारे यहाँ पे। अब गाइस देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिना म्यूजिक के ना वीडियो तो अभी बहुत अजीब लग रही होगी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एडिट कर रहा था तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। तो अब देखिए गाइस इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए जितना काम हो गया हमारा, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे जो भी मैं मतलब कि पहले हम कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, हम फिल्टर में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाने के बाद आपको एक इसमें ऑप्शन मिलेगा जो कि होगा HSL, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ब्लू कलर का सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है क्योंकि हमें वीडियो में ब्लू कलर नहीं चाहिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको लेना है येलो कलर, येलो कलर लेकर आपको उसका ह्यू जो है माइनस कर देना है बिल्कुल 100 एंड इसका सैचुरेशन जो है इसको थोड़ा सा माइनस एंड ल्यूमिनस को प्लस। फिर ग्रीन कलर लेना है, इसका ह्यू जो है बिल्कुल माइनस कर देना है एंड ल्यूमिनस को जो है बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन को भी कम कर देना है। फिर जाना आपको ऑरेंज कलर में, इसका जो ह्यू है आपको उसको बढ़ा देना बिकॉज गाइस आपको जो अपने फेस का कलर जो है यहाँ पे ब्राइट करना है। अब गाइस देखिए यहाँ पे कलर ग्रेडिंग हमारी हो चुकी है एकदम अच्छी तरीके से। अब गाइस देखिए इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि वीडियो में जो अब मतलब कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत मतलब कि अब तो अब इसके बाद देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे हम ऑडियो को ऐड, ठीक है। ऑडियो को ऐड करने के लिए आपको एक वीडियो मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर, जो मेरी जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखी ना वही वाली, उसी का म्यूज़िक आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो आप हम सिंपली इसका म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं। सो ये वाली वीडियो नहीं है, वो ये वाली वीडियो है जिसका हमने म्यूज़िक ऐड किया है, तो इसको हम सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इसका जो म्यूज़िक यहाँ पे चूज़ कर लेंगे फर्स्ट पे ही आ जाएगा, फिर राइट क्लिक कर देंगे एंड गाइस देखिए यहाँ पे हमारा म्यूज़िक जो ऐड हो चुका है। अभी गाइस इसमें एक चीज़ रह रही है जो कि है हमारी टेक्स्ट वाली जो लिरिक्स हैं वो मैंने खुद ही बनाई है गाइस, ठीक है। एक मेरे को आधा एक घंटा लगा इसको बनाने में, तो गाइस उसके लिए एक वीडियो को लाइक कर देना है गाइस, ठीक है।
अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है आप लोगों को। अब इसके बाद जो आपको दोबारा ऐड वीडियो बजाना है, ऐड वीडियो बजाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक टेस्ट की वीडियो मिलेगी ये वाली, आपको सिंपली इसका जो है क्या करना है, आप चाहो तो इसको फिट भी कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज आप इसका साइज जो अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। फिर इसका आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको आप लाइटन या स्क्रीन रख सकते हो ठीक है, दोनों में से कुछ भी। अब गाइस देखिए यहाँ पे हम जो है इसको प्ले करके देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। म्यूज़िक नहीं सुनाऊंगा गाइस, बिकॉज अगर मैंने म्यूज़िक सुनाया आपको तो जो है वीडियो इतनी खास नहीं लगेगी। तो अभी जो है हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं ठीक है, तो अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है वीडियो। तो इसके बाद क्या करेंगे, जब इतना हो जाएगा आपका काम तो यहाँ पे मतलब कि लगभग हमारी जो वीडियो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी को जो वीडियो है यहाँ पे पसंद आई होगी। तो बट अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पे हम थोड़े से कट्स लगाएंगे जिसमें कि हम इफेक्ट यूज़ करेंगे गाइस ठीक है। तो एफएक्स में जाएंगे, एफएक्स में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये वाला इफेक्ट यूज़ करेंगे हम, जैसे ये वाला, और इस वाले में रखेंगे हम वही लास्ट से जो है हम वो रखेंगे एक दो ठीक है। तो दूसरा रख लेंगे ये वाला इफेक्ट एंड यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसके बाद हम इसको रखेंगे और ये वाला इफेक्ट रखेंगे ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट है। अब इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, जो कि अभी हमारे देखिए यहाँ पे इतना कंप्लीट एडिट हो चुकी है यहाँ पे। तो आज की जो हमारी वीडियो थी गाइस वो यहीं तक थी। तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।